नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंस गुरु जी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए रेड आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए फाइनेंस गुरु जी, और आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, अपने इस चैनल पर हम पर्सनल फाइनेंस से जुड़े अलग अलग प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन वीडियो शेयर करते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के IRCTC रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है और उनके पास क्रेडिट कार्ड की भी एक अच्छी खासी रेंज है, जिसमें आपको बिगनर्स से लेकर के प्रीमियम और सुपर प्रीमियम तक जो है वो अलग अलग क्रेडिट कार्ड यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी क्रेडिट कार्ड वहाँ पर चुन सकते हैं। उसी कड़ी में आज हम बात करने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन रेलवे के को ब्रांडेड SBI IRCTC रुपए क्रेडिट कार्ड के बारे में। जी हाँ, यहाँ पर जो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और इंडियन रेलवे का, और इसी के साथ में ये जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको रुपए पेमेंट गेटवे के साथ मिलता है, जो हमारा इंडिजीनियस पेमेंट गेटवे है। दोस्तों, वहीं अगर बात करें इस क्रेडिट कार्ड पर ऑफर्स के बारे में, तो रिसेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर जो है क्रेडिट कार्ड पर ऑफर दिया है कि अगर आप ये क्रेडिट कार्ड 31 मार्च 2021 से पहले जो है अप्लाई करते हैं तो यहां पर जो 500 रुपीस की ज्वाइनिंग फीस आपको देनी होती थी वो अब आपको नहीं देनी होगी अगर आप अप्लाई करते हैं 31 मार्च 2021 से पहले। उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो यहां पर जैसा कि नॉर्मल अभी चल रहा था कि जो ज्वाइनिंग फीस है 500 रुपीस प्लस टैक्सेस की वो आपको देनी होती है, इसके अलावा रिन्यूअल फी जो है क्रेडिट कार्ड की वो 300 रुपीस की होती है। दोस्तों, अगर आप ये क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो ये बात करते हैं क्रेडिट कार्ड के फीचर्स एंड बेनिफिट के बारे में कि यहाँ पर क्रेडिट कार्ड पर आपको क्या-क्या फीचर बेनिफिट जो है वो देखने को मिल जाता है। दोस्तों, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड में आपको 350 जो है जॉइनिंग बोनस के तौर पर यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं अगर आप क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट होने के बाद में विद इन 45 डेज अपने क्रेडिट कार्ड से 500 रुपीस की जो है स्पेंडिंग कर लेते हैं। अब ये जो 500 रुपीस की स्पेंडिंग है आपकी, ये फ्यूल पर या फिर कैश में नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपने ATM से कैश विड्रॉ ना किए हो, वॉलेट जो है वो रिचार्ज ना किया हो, या फिर उस 500 रुपीस से जो है वो फ्यूल पे स्पेंडिंग ना की हो। इसके अलावा कोई भी अदर शॉपिंग परचेसिंग आपकी होती है, आपने कोई प्रोडक्ट बाय किया है, आपने ग्रोसरी स्टोर पर जो है वो स्पेंडिंग की है और वहां पर आपकी 500 रुपीस की जो है स्पेंडिंग हुई है, तो यहां पर 350 जो एक्टिवेशन बोनस रिवॉर्ड पॉइंट है वो आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा जब भी आप फर्स्ट कैश विड्रॉ करते हैं तो यहां पर आपको उस पर जो है 100 रुपीस का कैशबैक मिलता है, बट कैश विड्रॉ जो है वो आपको बहुत ही इमरजेंसी केसेस में करना चाहिए, यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपका काफी हाई हो जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो कार्ड है वो इंडियन रेलवे के साथ में को ब्रांडेड है, तो डेफिनेटली यहां पर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन रेलवे की तरफ से जो है वो ज्वाइंट बेनिफिट्स यहां पर मिलने वाले हैं। तो वहीं अगर आप इंडियन रेलवे पे जो है वो बहुत ज़्यादा बुकिंग्स करते हैं, यानी कि ट्रेन बुकिंग्स जो है वो ट्रेन ट्रेवल के लिए आपकी बहुत ज़्यादा होती हैं, IRCTC जो वेबसाइट है या फिर उनकी जो एप्लीकेशन है उसके जरिए, तो यहाँ पर AC Tier 1, AC Tier 2 या AC Tier 3 की अगर आप बुकिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको 10% जो वैल्यू बैक है वो मिल जाता है। तो साथ ही साथ आपको 350 सिटीज़ में, यानी कि 350 शहरों में लगभग 5,000 होटल्स में जो है वो एकोमोडेशन आप ले सकते हैं जिनका टाई अप है इंडियन रेलवे के जरिए। इसके अलावा सालाना आपको यहाँ पर जो है 4 रेलवे लाउंज जो है वो एक्सेस आप कर सकते हैं, अब क्वार्टरली यहां पर 1 जो एक्सेस है वो आप ले पाएंगे, और ये केवल प्राइमरी कार्ड होल्डर यानी कि जिनके नेम से जो क्रेडिट कार्ड है वो बना हुआ है वही इस बेनिफिट का जो है यूज कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, नॉर्मल 125 रुपीज की स्पेंडिंग आप करते हैं IRCTC वेबसाइट पर तो यहां पर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो मिलता है, आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट को कलेक्ट करके रिडीम कर सकते हैं अपना IRCTC बुकिंग पर, यानी कि अपना जो रेलवे बुकिंग आप करते हैं उनके लिए यूज कर सकते हैं, वहां पर जो वैल्यू आपको मिलती है वो 1 रुपीस की होती है। इसके अलावा इंडियन रेलवे की तरफ से समय समय पर जो है वो बहुत सारे पैकेज या ऑफर्स जो है वो लॉन्च किए जाते हैं, जैसे कि अगर आप किसी धार्मिक स्थल की जो है वो यात्रा करना चाहते हैं, कोई स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई जाती है, कोई स्पेशल पैकेज जो है वो दिया जाता है, तो यहां पर अगर आप वो पैकेज बुकिंग करते हैं अपने इस क्रेडिट कार्ड के जरिए तो यहां पर भी आपको जो है इंडियन रेलवे की तरफ से खास डिस्काउंट जो है वो मिल जाता है, जो समय समय पर चेंज होते रहते हैं, अलग अलग ऑफर्स आते रहते हैं। तो अगर आप ये क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और ऐसा कोई पैकेज जो है वो बुक करते हैं तो उससे पहले आप कंफर्मेशन ले सकते हैं बैंक वेबसाइट पर या फिर इंडियन रेलवे की वेबसाइट पर, वहां पर भी आपको जो डिटेल्स है वो मिल जाती है टर्म एंड कंडीशंस में कि अगर आप ये क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो आपको यहां पर एक्स अमाउंट का जो डिस्काउंट है वो देखने को मिल जाता है। तो वहीं अगर बात करें क्रेडिट कार्ड पर मिलने वाले जो रेगुलर फीचर बेनिफिट हैं वो क्या क्या होते हैं, तो यहाँ पर आपको फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर होता है सभी फ्यूल आउटलेट पर अक्रॉस द कंट्री, और यहाँ पर आप इन अ डे 500 रुपीज से लेकर के 3000 रुपीज तक का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं, और यहाँ पर बिलिंग साइकिल यानी कि 30 दिन का जो आपका बिलिंग साइकिल होता है उसमें आप जो ये बेनिफिट है वो मैक्सिमम 100 रुपीज तक का ले सकते हैं। अब बात करते हैं EMI फैसिलिटी की, तो
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या प्रोडक्ट आप बाय करते हैं जिसकी वैल्यू 2,500 रुपीज से अबव है, आप उस अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट करा सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन जो है वो आप मर्चेंट से बेनिफिट ले सकते हैं, इसके अलावा ऑनलाइन आपको वेबसाइट पर, चाहे वो आप अमेजन से करें या फ्लिपकार्ट से करें, वहां पर जो है वो आपको ऑफर साथ साथ मिल जाता है, तो उस अमाउंट को आप वहीं से ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा क्रेडिट कार्ड के जरिए आप किसी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटीएम से कैश विड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर आप कैश विड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर आपको जो प्रोसेसिंग फीस है वो भी देनी होती है, साथ ही साथ इंटरेस्ट जो है वो भी आपको पे करना पड़ता है। सो ओवरऑल अगर हम मर्चेंट्स की बात करें तो यहाँ पर छोटे बड़े वर्ल्ड वाइड 2 मिलियन से ज्यादा मर्चेंट हैं जहां पर आप अपने इन क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकते हैं। दोस्तों इसी कड़ी में आप अगर आप प्रीमियम के साथ में जाना चाहते हैं तो एसबीआई आईआरसीटीसी जो है वो एक प्रीमियर क्रेडिट कार्ड भी यहाँ पर मिलता है, जो कि प्रीमियम सेगमेंट का क्रेडिट कार्ड है, इंटरनेशनल कार्ड है, तो उसे आप जो है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल भी यूज कर सकते हैं। उसकी जो एनुअल फी है वो 1,500 रुपीज की होती है। तो दोस्तों यहाँ पर इस क्रेडिट कार्ड में आपको इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड जो मिलता है वो अप टू 50 डेज का होता है, जिसमें 30 दिन आपके बिलिंग साइकिल के होते हैं प्लस 20 डेज आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं एज अ ग्रेस पीरियड। आफ्टर दैट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको यहाँ पर चार्ज होता है वो 3.40% पर मंथ का होता है। जैसा कि दोस्तों स्टार्टिंग में आपको एनुअल फी जो है वो ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप 31 मार्च 2021 से पहले ये जो क्रेडिट कार्ड है वो अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी ज्वाइनिंग फी जो है फर्स्ट ईयर की 500 रुपीज प्लस टैक्सेस वो नहीं देनी होगी, केवल रिन्यूअल फी आपकी लगेगी जो दूसरे साल से लगती है, जो आपकी 300 रुपये की होती है। दोस्तों वहीं अगर हम नॉर्मल जो है वो इसको अप्लाई करते हैं बाद में तो आपको 500 रुपीज प्लस टैक्सेस जो है वो पे करना होगा। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं सैलरीड है तो यहाँ पर आपकी जो मंथली सैलरी है वो कम से कम 20,000 रुपीज की होनी चाहिए। क्रेडिट अगर आपका है तो एक अच्छा क्रेडिट होना चाहिए पिछले 6 महीने में, जी हाँ लास्ट 180 डेज में आपने इस क्रेडिट कार्ड के लिए जो है वो अप्लाई नहीं किया हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, अदरवाइज डुप्लीकेट एप्लीकेशन आ जाती है। और अगर ऑलरेडी कोई क्रेडिट कार्ड या लोन आपका चल रहा है तो उसमें किसी भी तरीके का इश्यू जो है वो आपके क्रेडिट में नहीं होना चाहिए। दोस्तों क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पैन कार्ड कॉपी, लास्ट आपका 2 महीने का सैलरी स्लिप विद बैंक स्टेटमेंट ऑफ योर सैलरी अकाउंट, 1 करंट रेजिडेंस एड्रेस प्रूफ जो है वो यहाँ पर आपको प्रोवाइड करना होता है। अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपका जो ITR है वो कम से कम यहाँ पर जो है वो 5 लाख रुपीज का होना चाहिए। इसके अलावा बैंक के साथ अगर आपका कोई रिलेशन होता है, यानी कि कोई अकाउंट है या किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब करते हैं जो बैंक के पास रजिस्टर्ड है, तो वो एक एडेड एडवांटेज आपके लिए हो जाता है। तो बात करें कि वहीं अदर जो बेनिफिट है वो और क्या क्या देखने को मिल जाते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि इंटरनेशनल जो है वो क्रेडिट कार्ड है तो यहाँ पर आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑनलाइन ऑफलाइन आप कहीं भी यूज कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर हम देखें तो मोर देन 44 मिलियन मर्चेंट्स हैं वर्ल्ड वाइड जो है वो ऑलमोस्ट 190 कंट्रीज में आप कहीं भी जाते हैं वीजा या मास्टर के साथ में जिनका टाई अप हो, तो वहां पर आप इस क्रेडिट कार्ड को जो है वो यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली बैलेंस ट्रांसफर की फैसिलिटी क्रेडिट कार्ड में आपको मिलती है, किसी अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड आप यूज कर रहे हैं उस कार्ड की पेमेंट आप इस क्रेडिट कार्ड के जरिए कर पाएंगे तो यहाँ पर आपको जो है वो थोड़ा सा टाइम जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाता है, और जो पेनल्टीज है मल्टीपल किसी भी अदर कार्ड की तरफ से अदर बैंक की तरफ से वो आपको यहाँ पर नहीं लगती है। इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप जो है क्रेडिट कार्ड के जरिए कैश विड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर लोन ऑन कार्ड की फैसिलिटी मिलती है, यानी कि अगर आपको जो है वो अमाउंट की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट या जो आपका जो क्रेडिट लिमिट है उसके अगेंस्ट यहां पर लोन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों एड ऑन क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी आपको मिलती है कि आपका कोई भी ब्लड रिलेटिव है, यानी कि आपने जो है हस्बैंड वाइफ मदर फादर ब्रदर सिस्टर के लिए आप जो क्रेडिट कार्ड है एड ऑन क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं विद सेम फीचर्स एंड बेनिफिट, और यहाँ पर एड ऑन क्रेडिट कार्ड का जो चार्जेस है वो आपको कुछ भी पे नहीं करना होता है। तो जैसा मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इंटरेस्ट फ्री टाइम पीरियड जो है वो आपको 50 डेज का रहेगा, और उसके बाद जो रेट ऑफ जो इंटरेस्ट आपको यहाँ पर रहेगा वो 3.40% पर मंथ का होता है। दोस्तों इसके अलावा साथ ही साथ जो अदर ऑफर्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम इंडियन रेलवे की तरफ से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इन जॉइंट, तो वो भी जो है वो आप अवेल कर सकते हैं। तो दोस्तों मल्टीपर्पज क्रेडिट कार्ड है अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा क्रेडिट कार्ड है, और अगर अभी आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है वो ज्वाइनिंग फीस भी नहीं देनी होगी। तो दोस्तों अगर आप भी ऐसा कोई क्रेडिट कार्ड देख रहे थे जो बिगनर्स के लिए जो है वो मल्टीपर्पज क्रेडिट कार्ड हो, डोमेस्टिक इंटरनेशनल ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरीके का जो बेनिफिट है वो आप ले सके, साथ ही साथ कार्ड जो है वो किसी भी गवर्नमेंट बैंक की तरफ से हो, तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इस कार्ड के साथ में जा सकते हैं। हाल फिलहाल के लिए जो है वो 0 ज्वाइनिंग फीस पर आपको एक क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। IRCTC पर जो है रेलवे टिकट की बुकिंग अगर आप करते हैं तो वहां पर भी आपको एक अच्छा खासा वैल्यू पैक जो है वो देखने को मिल जाता है। तो होपफुली हमारी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, और आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। दोस्तों इसके अलावा आप हमारे लाइव में भी हमसे जुड़ सकते हैं, और कार्ड के रिगार्डिंग अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है कोई डाउट है तो वहां पर आप कंफर्म कर सकते हैं, वहां पर क्वेरी कर सकते हैं हर बुधवार शनिवार रविवार रात 9:30 बजे से। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए